है क्या, इसको कैसे यूज़ करना है, मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा, आपके सर पे छोटे छोटे जख्म हो जाएंगे। ये भाई सच में बता रहा है, आंखों में आंसू तो आ गए इसके। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फन बॉक्सिंग में। और फन बॉक्सिंग क्योंकि फन भी ज़रूरी है। आज मैं बॉक्सिंग करने वाला हूँ एक डर्मा रोलर की, और ये क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फटाफट से पहले इस पैक को खोल कर देख लेते हैं। ये मैंने अमेजोन से मंगाया है और ये देखने में कैसा है, पहले इसका प्रयोग कर देते साइड में। ये देखिए गाइस, ये कुछ दिखने में ऐसा है। और ये डर्मा रोलर मैन मैट्रेस कंपनी का है। इस कंपनी के नाम में तो मैन है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि इसको सिर्फ मैन यूज़ कर सकती है। इसको मैन वुमेन कोई भी यूज़ कर सकता है। अब ये है क्या, इसको कैसे यूज़ करना है, मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा, इससे फ़ायदे क्या होने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो में आगे चलते हैं और मैं इस पैकेट को खोल दिखाता हूं कि ये देखने में है कैसा। ये इसका कुछ कंटेनर बॉक्स आया है, ये हार्ड प्लास्टिक का है तो रखने के लिए भी सेफ रहेगा, काफ़ी अच्छा है। इस डिवाइस को डर्मा रोलर कहते हैं। डर्मा रोलर इसका क्या काम है पहले मैं ये बता देता हूँ। ज़्यादा हेयर फॉल होने के कारण सर के कुछ हिस्सों पे से बाल बिल्कुल गायब हो जाते हैं, बिल्कुल सफ़ा चट, जैसे कि आपको इस फोटो में नज़र आ रहा होगा। तो उस हिस्से पे इसको रोल करने से इसके अंदर बहुत बारीक बारीक आपको दिखाई दे रही होंगी। मैं एक बार आपको ध्यान से दिखाता हूँ, ये देखिए। नहीं, अब आपको नज़र आ रही होंगी इसके अंदर बारीक बारीक सुई लगी हुई है, ये बहुत ही बारीक है। इसकी बारीक बारीक सुइयों से सर के उस हिस्से पर बारीक बारीक छेद हो जाती है, जिससे हल्का हल्का ब्लड भी आ सकता है, जो कि जरूरी भी है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, कोई ऐसी बड़ी मेडिकल कंडीशन नहीं होती, वो कंपलसरी आना। और फिर आपके सर पे छोटे छोटे जख्म हो जाएंगे जो कुछ दिन बाद ठीक होने लगेंगे अपने आप, वहाँ पर नए टिश्यू बनने लगेंगे, नए टिश्यू बनने की वजह से आपके वहाँ पर हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर है जिसका मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो डॉक्टर एक हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट है और उन्होंने इसको रिकमेंड किया है। तो मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, मैं तो इसको आपको सीधे सीधे यूज़ करके दिखाऊंगा और फिर आपको रिजल्ट बताऊंगा कि इससे कुछ फ़ायदा है या नहीं, आपको ये लेना चाहिए या नहीं। पहले मैं इसकी कुछ आपको डिटेल बता देता हूँ। इस रोलर के अंदर 540 टाइटेनियम एलॉय माइक्रो नीडल्स है, यानी कि जो सुई आपको नज़र आ रही है ये बारीक बारीक, ये 540 है इस रोल के अंदर। और साथ ही में इन नीडल्स की लंबाई है 0.5 mm। ये आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको किस साइज़ के लेने चाहिए, क्योंकि ये 1 mm 1.5 mm तक के भी आते हैं, और जितना आप दर्द सहन कर सकते हो उस हिसाब से, तो ये 0.5 सबसे नॉर्मल है। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि सिर्फ सर पर ही नहीं, इसको आप फेस पर भी यूज कर सकते हैं। जिन भाइयों के फेस पर दाढ़ी ठीक से नहीं आती, थोड़े बहुत बाल आते हैं, कहीं पर आते हैं कहीं पर नहीं आते, और वो चाहते हैं कि उनके फेस पर भी हेयर ग्रोथ शुरू हो जाए, तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, अपने ऊपर नहीं, मैंने एक बंदा तैयार किया है, मैं उसके ऊपर ट्राई करके आपको इसको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। The next day. हेलो गाइज, ये है हमारा भाई अमन, इसको मैंने उस खतरों भरे खेल के लिए तैयार कर लिया है, और आपको अब दिख रहा होगा कि सर पे कैसे बाल कम हो जाते हैं, तो ये कैसे यूज़ करना है ये भाई आपको अभी करके दिखाएगा। तो अमन भाई दिखाओ इसको कैसे यूज़ करते हैं। एकदम स्ट्रेट सामने की तरफ चलाना है, बैक नहीं लाना। तो गाइस हमारे मन भाई कह रहे हैं कि इसको सिर्फ आगे की तरफ लेके जाना है, वापस पीछे मूव करके नहीं लेके आना, फिर इसको उठा के पीछे लेके आना है, यही इसका सही तरीका है। और इसको महीने में 2 बार यूज करना है, 15-15 दिन के गैप में। और इसको अब यूज कब तक करना है, इसको आप लोगों को जब तक यूज करना है जब तक आपके सर के ऊपर छोटे छोटे ब्लड के डॉट नजर आने लगे। इसका यूज़ करने के बाद आपको गर्म पानी से धो लेना है इसको अच्छे से, और ये भाई इसको अभी से यूज़ करना शुरू कर देगा, और मैं 3 महीने के बाद आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सच्चा बिल्कुल प्रूफ के साथ रिव्यू दूंगा कि इससे सच में कुछ फ़ायदा होता है या कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये बात आपको कैसे पता लगेगी, जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की। ये देखो मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगा है, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे नहीं दर्द होने लग जाएगा,
थोड़ा बहुत तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये देखो आपको अब मैं दिखा रहा हूँ, ये डॉट डॉट से आपको ब्लड की आ गई है, आपको इसी तरह इसको यूज़ करना है। कितने दर्द हो रहा भाई? अमन हो रहा है, थोड़ा हल्का फुल्का है, ज़्यादा नहीं, वही है, बार बार हो रहा है, मतलब बर्दाश्त करने लायक है ना? हाँ बिल्कुल आराम से। हाँ तो गाइज आपको ये भाई सच में बता रहा है, आँखों में आंसू तो आ गए इसके, लेकिन ये बोल रहा है कि मतलब इसको हम सह सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।